कराते बच्चा बेटा ये बेटी इसमें बहुत शक्ति है, ये मंदिर का यहाँ का मंदिर का है वहाँ का है, तो इसमें आज पूरी शक्ति है आपके जो सर पे फूल बच्चों ने चढ़ाया है उसके मस्तक पे सर पे रख दीजिए आशीर्वाद स्वरूप। और इसके बाद सभी ने फूल रख दिया हो तो गले की माला, अपने गले की माला ऐसा मन में सोचिएगा इसमें खूब खूब आशीर्वाद है, कवच है मेरे बेटा के लिए मेरी बेटी के लिए, उनके गले में पहना रहे माला को, अपने बच्चे के गले में पहना रहे, दोनों हाथ से अपने गले में से माला निकाल के अपने बच्चे को पहना रहे। आशीष पाओ मैं, तुम कहो।
था।
को पकड़े हैं ना, और माँ की गली से भी प्यार में अपने बच्चों को छोड़िए गए। बच्चे और बड़े अगर सभी
की बात बोल, जहाजों को डुबा दे, थोड़ा दम मार के चिल्ला के नहीं लेकिन ताकत से, जहाजों को डुबा दे, उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले, ऐसे हाथ दिखाओ जरा, तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। तूफान जाया है और हम इंसान हैं, हम उस तूफान से टक्कर लें, ठीक है। अभी शांति बनाए रखना, हम सर से अनुरोध करते हैं वो आए, कार्यक्रम आगे बढ़ाए। यहाँ पर उपस्थित जो भी बच्चे अभी है और माता पिता है, सभी को अच्छा लगा? मुझे नहीं लगता है किसी को भी बुरा लगा होगा। बुरा लगा क्या? समय व्यर्थ नहीं गया ना आपका, सार्थक हुआ। सच्ची बात है। तो 14 तारीख को सभी से मेरी प्रार्थना, अपने बच्चों को फिर से याद दिलाइएगा, 14 फरवरी। बच्चों आज 14 फरवरी है, मातृपितृ पूजन का दिन है। ऐसा मत सोचिएगा आप लोग कि मैं अपना पूजन करने के लिए बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, अपना भी पूजन करवाइएगा अपने माता पिता का, बच्चों के दादा दादी उनका भी पूजन करवाइएगा 14 फरवरी को। और हर रोज सुबह उठे तो बच्चे को याद दिलाइएगा, दादा दादी का पैर छूके जाओ, आशीर्वाद लेके जाओ, मेरा पैर छू, ऐसा आप बोलिएगा, माँ पिताजी जो बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे का कार्यक्रम, दीदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपको 30 वर्ष हो गया अपने विद्या मंदिर में काम करते हुए, अपने जीवन का यह पहला अनोखा कार्यक्रम था। आप सबके हृदय को स्पर्श कर लिया होगा, जब बच्चे आपके गले लग रहे थे तो कौन माता पिता होंगे जिनके आंखों से आंसू का जल नहीं छलक रहा होगा, वो प्यार और मोहब्बत। हम तो अकेले हैं, हमारी भी आंखें आंसुओं से भरभरा गई थी। यही अगर प्यार और मोहब्बत प्रकार में बना रहे तो दुनिया नहीं रहेगी। और बच्चे ये बीच में बहाने बात नहीं करो, बात नहीं करो, सुनो मेरी बात। ये आज आस्था का महापर्व है और इस आस्था के महापर्व में कोई भी आदमी बिना डुबकी लगाए बाकी नहीं रहा। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि ये भाव इंसानियत हैवान को इंसान बना सकती है, इंसानियत हैवान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है, वरना कौन जाता मंदिरों में पूजा करते हैं, आस्था पत्थर को भगवान बना देती है। तो आज इस आस्था के सागर में सबने डुबकी लगाया है, यह भाव माता पिता और बच्चों में भी बना रहे। आप अपना स्नेह अपने बच्चों पर और बच्चे अपने माता पिता और बड़ों के प्रति अपनी आदर का भाव कभी न भूलेंगे। अगर ऐसा चलता रहा तो यह देश जरूर महान हो जाएगा। आज के इस कार्यक्रम को अध्यक्षता करते